चलिए तो चैप्टर नंबर 7 साइंस में हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। लीव से पहले वाला पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। लीव से पहले वाला पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया है, तो आज लीव कवर करते हुए नीचे चलेंगे, टाइप्स ऑफ लीव्स देखते हुए, अगर टाइम फिर भी अगर एक्स्ट्रा बचता है हमारे पास आज की क्लास में, तो फंक्शंस ऑफ लीव्स भी देख सकते हैं, ठीक है। और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। चलिए और टाइम में वेस्ट करते हुए शुरू कर लेते हैं। ठीक है, लीफ। अ लीफ कैन आल्सो बी कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। इट इज अ थिन फ्लैट एंड ब्रॉड आउटग्रोथ ऑफ द स्टेम। तो ये पैराग्राफ कंटिन्यू करने से पहले आप लोग एक बात रिकॉल कीजिए, मैंने आपको कहा था प्लांट का हर वो पार्ट फूड बना सकता है, फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हेल्प कर सकता है जिसके पास में फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी है। अब फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी तभी हो सकती है किसी के पास जब उसके पास में क्लोरोफिल हो। क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट, वो प्लांट्स में होता है, किसी एनिमल में नहीं पाया जाता है। वो क्लोरोफिल होना चाहिए किसी भी प्लांट में, और वो हर प्लांट में होता है क्योंकि प्लांट को अगर जिंदा रहना है तो खाना उसे चाहिए, और खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल इज अ मस्ट सब्सटेंस फॉर एवरी प्लांट, ठीक है। तो हाँ, ये हो सकता है कि किसी प्लांट में सिर्फ पत्तियां ही खाना बनाती होगी, किसी प्लांट में हो सकता है पत्तियों के साथ स्टेम भी खाना बनाता है। तो हमें पता है कि बहुत सारे स्टेम ग्रीन भी होते हैं, ग्रीन कलर के स्टेम्स हमें मिल सकते हैं, ब्राउन कलर के स्टेम हमें मिल सकते हैं, राइट। तो ब्राउन कलर का अगर कोई स्टेम है, या ब्राउन कलर का, या ग्रीन कलर को छोड़ के कोई दूसरे कलर का कोई भी सब्सटेंस है अगर उस पौधे के अंदर, तो वो खाना नहीं बना सकता क्योंकि क्लोरोफिल की एब्सेंस है वहां पे, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल पॉइंट, लेकिन याद रखना आप लोग ये चीज कि फूड फैक्ट्री, अ लीफ कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो पत्तियां जो है वो लाइकवाइज हम बोल सकते हैं कि मेन पार्ट है, किसी भी प्लांट का मेन पार्ट है जो खाना बनाने का काम करती है प्लांट के लिए, ठीक है। सारे ऑर्गन्स के लिए, सारे पार्ट्स के लिए, प्लांट के सारे पार्ट्स के लिए लीफ ही रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअली मेनली। और अगर कोई दूसरा कोई सेकेंडरी पार्ट्स अगर मिलते हैं जिसके पास में क्लोरोफिल है, तो वो भी दे आर ऑल्सो वेलकम टू मेक फूड। अ लीफ कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। इट इज अ थिन फ्लैट एंड ब्रॉड आउटग्रोथ ऑफ द स्टेम। तो यहाँ पे तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि पत्तियां कैसी होती है, क्या होता है, पत्तियों के बीच में हम लोग पले बड़े शायद से, ठीक है। इट इज अटैच्ड टू द स्टेम एट पॉइंट्स कॉल्ड नोड्स। बात करते हैं नोड्स की एक बार। बाय अ लीफ बेस, द ओल्डर बेस, ओल्डर लीव्स आर जनरली प्लेस्ड लोअर एट द स्टेम। एज द स्टेम ग्रोज अपवर्ड्स न्यू लीव्स अपीयर। द अपर लीव्स आर यंगर एंड स्मॉलर इन साइज। लीव्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। लीव्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। ये अंडरलाइन कर लेना आप लोग पेंसिल से कर लीजिए, बेटर रहेगा। और एग्जाम टाइम पे आप लोग जब पढ़ोगे तो ये अंडरलाइन वाला पोर्शन आपको पढ़ना है डेफिनेटली। और जब क्वेश्चन आंसर्स आप लोग कर रहे होंगे बैक एक्सरसाइज के, तो वहां पे भी अंडरलाइन वाला पोर्शन ज्यादा काम आएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कीजिए। अब पहले हम ये देख लेते हैं, ये वाला पोर्शन दिख रहा है। कोई भी जनरली हमने कोई पत्ता लिया है, ये पीपल का पत्ता लग रहा है जिस तरीके से। ध्यान से देखो, कोई भी पत्ता है अगर हमारे पास में, उसके बीच में जो हमें पता है कि ये जो एक बड़ी सी वेन जाती है, रिब जाती है, और वो जो स्टेम से कनेक्ट करती है उसे, मान लो कि ये स्टेम है किसी पौधे की, ठीक है, स्टेम से जो कनेक्ट कर रही होगी उस पार्ट को जो पत्ते के बाहर है उसे बोलेंगे पेटियोल। उसी पेटियोल को जब हम अंदर लीफ के अंदर लेकर के जाते हैं, जो लीफ के पूरे उस पत्ते को कवर उसने होल्ड करके रखा हुआ है, उस पार्ट को बोलेंगे मिड रिब, ठीक है। आप लोग यहाँ पे अगर क्लियर नहीं हो तो अपनी बुक में देख सकते हो, मिड रिब नहीं, ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बुक में ऑलरेडी ड्रॉ, ठीक है। इस पूरे पत्ते को बोलेंगे लीफ ब्लेड या फिर लेमिना, दे रखा है यहाँ पर, बुक में रेफर कर लीजिए अगर यहाँ क्लियर नहीं है तो, ठीक है। लेमिना या फिर लीफ ब्लेड, एक ही बात है, सिनोनिम्स एक दूसरे के।
और मिड रिब को छोड़ करके जितनी भी वेन्स बाकी की निकलती है मिड रिब से ही उसे बोलते हैं वेन्स, ठीक है। और जैसे ही मतलब कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के पूरे कॉम्बिनेशन को प्लांट सेम होते हैं, सॉरी लेमिना और विंड सेम होते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, लेमिना और लीफ ब्लेड सेम होते हैं, आगे आएगा यहाँ पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है। बात करते हैं एक बार, ये मैंने पहले आपको डायग्राम समझा दिया फिर थ्योरेटिकली जाते हैं, ठीक है। तो ये पत्ते का जनरलाइज स्ट्रक्चर हो गया है, चिंता मत करिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे कि पत्ते के कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ अंडरलाइन कर लेना, ये डायग्राम जो बना रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए है, बाकी बुक में सब मेंशन है। अगर पर्टिकुलर किसी डायग्राम को आपको बनाना होगा तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब ऑलरेडी मेंशन है इस पूरे पैराग्राफ में और डायग्राम आप लोगों के लिए है वहाँ पे। पार्ट्स ऑफ लीफ में फोकस करो, पहला पार्ट पेटियोल, अ स्मॉल स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है वैसे हिंदी में डाल बोलते हैं इसे, बाय विच अ लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। सम प्लांट्स लाइक वीट राइस मेज डू नॉट हैव अ पेटियोल। तो अगर पेटियोल नहीं है इसका मतलब कि ये जो स्टेम है इससे डायरेक्टली पत्ते अटैच्ड है, अगर पेटियोल होगा तो पहले पेटियोल निकलेगा उसके बाद पत्ता होगा, इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। अगला वर्ड आता है लेमिना, लेमिना मतलब वो पूरा पत्ता ही, उस पत्ते के अंदर ही बाकी चीजें कंसिस्ट हो रही है, पेटियोल तो बाहर हो गया, मिडरिब वेन्स वगैरह ये सब लेमिना के अंदर ही होती है। द ब्रॉड एक्सपांडेड पार्ट ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड लेमिना और लीफ ब्लेड, कर लो अंडरलाइन इसे भी, ऊपर भी कर लेना इसे, ठीक है। इट इज ग्रीन कलर, तुम पेंसिल लेके आओगे, पेंसिल है, पेंसिल से करो अंडरलाइन। इट इज ग्रीन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, दैट्स व्हाई कलर इज ग्रीन। फूड इज प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस इन दिस पार्ट ऑफ द प्लांट, द एजेस ऑफ लेमिना कैन बी ईदर स्मूथ और सेरेटेड। अब ये स्मूथ और सेरेटेड की कहानी नीचे जाकर देखते हैं, ये अंडरलाइन कर लिया, चले नीचे, यस सर, ठीक है। अभी वो लेमिना के बेसिस पे दो तरह की पत्तियां हो सकती है, हमें पता है कि रूट्स के बेसिस पे हमने जिस तरीके से टैप रूट और फाइब्रस रूट देखा था, तो ये पत्तों के शेप या फिर पत्ते के स्ट्रक्चर के ऊपर भी दो पार्ट निकल, दो टाइप्स हैं लीफ के। अगर सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर अगर है लीफ का तो उसे बोलेंगे स्मूथ स्ट्रक्चर, स्मूथ लीफ, ठीक है। यहाँ भी यही तो कह रहा है, on the edges of lamina can be either smooth or serrated. तो on the basis of structure of edge of the lamina, we can distinguish it in two types, smooth and serrated. अब serrated में क्या होगा? पत्ते जनरली हम ऐसे ऐसे ही बनाते हैं, right? किसी देखा भी होगा आप लोगों ने, इस तरह के पत्ते भी होते हैं, right? बैम्बू में ऐसे होता है, मुझे नहीं पता, अगर होते हैं तो वो सेरेटेड होगा और स्मूथ। लेमिना तो दोनों के पास होने ही वाला है, लेमिना के अंदर मिडरिब भी दोनों के पास होने वाली है, उसके बाद में वेन्स भी होने वाली है, बस वो किस तरह की पत्ती है उसके ऊपर स्मूथ और सेरेटेड दो टाइप्स है हमारे पास, दैट्स ऑल, ठीक है। अब इसमें कुछ समझने जैसा तो कुछ है नहीं, बस ये हमें याद करना है, वी आर कमिंग टू नो सो मेनी फैक्ट्स अबाउट प्लांट्स, तो कुछ 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 चीजें हैं जो हमें पहले से पता है और कुछ कुछ नहीं है तो हम पता कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। इसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप्स है या एनालिटिकल टाइप्स से तो कुछ भी नहीं है, लॉजिकल टाइप्स से कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम ये इन्फॉर्मेटरी आप लोगों के लिए फैक्चुअल है सब। नोट्स की बात की थी ऊपर हमने, पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीव्स टू द स्टेम, ठीक है। मान लो कि ये स्टेम यहाँ जा रही है तो ये जो अटैचमेंट है नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे नोड, कुछ भी नहीं था हार्ड एंड फास्ट, ठीक है। मिडरिब एंड वेन्स, आगे चल रहे midrib and veins, the stalk of the leaf which is a part of stem continues into the leaf or lamina forming the midrib, underline करो simply, वो भी इसलिए क्योंकि आप लोग जब exercise करोगे तो आप लोगों के लिए helpful रहेगी। The stalk of the leaf which is a part of stem continues into the leaf or lamina forming the midrib, the midrib branches into veins which form a network, काम की बात, इन द लीफ विच फॉर्म अ नेटवर्क इन द लीफ,
these transport water and minerals to the leaf and carry food. इसका मतलब कि ये part one of the most important. The arrangement of veins in a leaf is called venation. The arrangement of veins in a leaf is called venation. It can be of two types. ठीक है, venation दो तरह के होते हैं. तो पहले हम ऊपर वाले की बात कर लेते हैं. क्या होती है मिडरिब, पत्ते के बीच वाली, जो ये मेन रिब जा रही है, जो कनेक्ट कर रही है पेटियोल से, लेमिना और पेटियोल को जो कनेक्ट कर रही है उसे बोलेंगे मिडरिब. ठीक है, और मिडरिब से निकलने वाली जो बहुत सारी रिब्स हैं या ब्रांचेस हैं उसे बोलेंगे वेन्स. ठीक है, तो मिडरिब भी एक वेन ही है लेकिन स्पेशल वेन है. ठीक है, तो लेकिन क्यों है ये, इनका प्राइमरी पर्पस क्या है, प्राइमरी वर्किंग क्या है इन लोगों की क्या, इस पार्ट की. दिस ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द लीफ एंड कैरी फूड फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल पत्तों के अंदर भेजना, क्योंकि पत्ते ही खाना बनाएंगे, क्लोरोफिल कंटेनिंग है वो, और उसके बाद वापस जो खाना बन गया है उसे ले करके सप्लाई करना दूसरे पार्ट्स, प्लांट के पार्ट्स को. ठीक है, ये तो हो गया. अब एक काम की बात यहाँ पर ये है, वेनेशन का देख लो, मतलब द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन. अब वेनेशन का मतलब ये हो गया कि जो मिड रिब है, वेन्स इस तरीके से भी जा सकती है, इस पूरे नेटवर्क को वेनेशन बोलते हैं. वेनेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेन्स, ब्रांचिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेन्स फ्रॉम मिड रिब इनटू द एंटायर लेमिना, इसे भी वेनेशन बोल सकते हैं. कुछ भी लिख सकते हो, ये एफएच लिखे हुए इतना भी लिख दोगे तो सही है वो. एक पॉसिबिलिटी ये है वेन्स के अरेंजमेंट की. दूसरी पॉसिबिलिटी है मिडरिप तो होने ही वाली है लेकिन वेन पैरेलल जाएगी इस बार. तो अगर पैरेलल जाती है मिडरिप के वेन्स तो उसे बोलेंगे पैरेलल वेनेशन. व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर इन अ लीफ वी कॉल इट पैरेलल वेनेशन. ये एग्जांपल दे रखे हैं कुछ कुछ. हाँ जी, हाँ लाइन खींचो बिल्कुल. ठीक है, और रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब जो पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल के लिए रेटिकुलेट नाम यूज किया है. रेटिकुलेट वेनेशन व्हेन द वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क अक्रॉस लीफ ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिडरिब इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन. एग्जांपल मैंगो, पीपल, चाइना रोज, ये जो भी एग्जांपल से कर दो सेंटर लाइन. सर पैरेलल के तो बनाना ट्री भी सकता है, ये लिखा हुआ है ना, बनाना लिखा हुआ है ना, ये बनाना. ठीक है, चलते हैं आगे. एक्टिविटी 4, पहले के टॉपिक्स भी रिवाइज करते चलना. रिवाइज तो क्या, हमको बार बार पढ़ते हुए चलना. ये सारी फैक्चुअल चीजें इन्फॉर्मेटरी है, एक बार में याद नहीं होगी इस तरीके से. लाइकवाइज अनलाइक मैथ्स या अनलाइक साइंस के वो चैप्टर जो फॉर्मूले बेस्ड है, जैसे फॉर्मूले याद करने हैं और सिंपली फिर अप्लाई करना है उसे डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में या इमेजिनरी प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना है, तो वहाँ पे तो फॉर्मूला याद करना कुछ नॉट अ बिग थिंग है ना. फॉर्मूला अप्लाई करना वहाँ पे काम की बात होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ अप्लाई तो करना है नहीं हमें. हमने सिंपली क्या करना है, याद करने वाली चीज़ें हैं, तो जितना बार बार पढ़ोगे उतना अच्छे से याद हो जाएगा. फाइंड आउट वेनेशन इन डिफरेंट लीव्स, वरना रिवाइज करते हुए चलोगे टाइम टाइम पे, रिविजन नहीं दोगे हर चैप्टर को किसी भी सब्जेक्ट में, तो फिर वो ब्लर होता जाएगा आपके माइंड में टाइम के साथ साथ. फाइंड आउट वेनेशन इन डिफरेंट लीव्स, तो ये एक एक्टिविटी है ये पता करने के लिए कि वेन्स देखने की के लिए ये पर्टिकुलर एक्टिविटी, इतना समझ लो बस. क्या करोगे आप लोग, पीपल का पेड़ होता है ये आसानी से अवेलेबल मार्केट में. मार्केट में तो क्या, आपके सिटी में, टाउन में, कहीं भी, आपको विलेज में कहीं भी मिल जाएगा आसानी से पीपल लीव. तो क्या करते हो, ले लो पास. बहुत ही बढ़िया. टेक अ पीपल लीफ एंड अ पार्ट ऑफ बनाना लीफ, एक केले का पत्ता और एक पीपल का पत्ता आपने लिया. डिप देम इन वाटर इन टू ट्रॉफ, ट्रॉ का मतलब ये होता है कि ये जाएगा, हम देखा होगा कि हम फॉर कैटल्स या स्ट्रे एनिमल्स के लिए हम जो बनाते हैं टब वगैरह, लाइक वाइज जनरली घर के बाहर होता है वो, तो वो आकर के पानी पी सकते हैं. इस तरीके का अरेंजमेंट स्ट्रे एनिमल्स के लिए या कैटल्स के लिए गांव में स्पेशली बनाते हैं ये, राइट, काउज बफेलोज वगैरह आकर के उसमें वाटर कंजम्पशन के लिए. तो आपने क्या किया ऐसे में, water in two troughs and keep aside for 3 to 4 days. आपने छोटे छोटे कंटेनर लेना, इतने बड़े ट्रॉफ लेने की जरूरत भी नहीं है. लिया आपने और फिर क्या किया,
एक के अंदर आपने डाल दिया पीपल का पत्ता, एक के अंदर आपने डाल दिया बनाना लीफ, ठीक है, एक में आपने बनाना डाल दिया, एक में पीपल का पत्ता डाल दिया, फिर 3 से 4 दिन तक रखना है, लेकिन टेक केयर टू चेंज द वाटर एवरी डे विदाउट डिस्टर्बिंग द लीव्स, मतलब कि पूरा खाली करने की जरूरत नहीं, लेकिन इस तरीके से खाली करना पानी को, रिन्यू करना पानी को, कि पत्ते, पत्तों की पोजीशन वगैरह ये सब चेंज ना हो. देन टेक आउट द लीव्स एंड जेंटली वॉश इन वाटर, लेकर के धो लेना 4 दिन बाद. यू विल फाइंड दैट ऑल द फ्लैशी पार्ट ऑफ द लीफ इज वॉश्ड अवे, लीविंग ओनली द वेन्स. तो ये वेन्स देखने का एक तरीका बता रखा है यहाँ पे, ठीक है. तो वेन्स जो होती है वो पत्तों के मिडल में, बीच में सैचुरेटेड होती है, वहाँ पे सिचुएटेड होती है, वहाँ पे हम अगर ऊपर का पार्ट अगर हटा सके हम किसी भी तरीके से, तो आप लोग वेन्स देख पाओगे. नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ना तो मैंने ऐसा बोला, ना ही एक्टिविटी में ऐसा लिखा है. यहाँ पे वेन्स, अब केले का पत्ता, उसने 2 पत्ते इसलिए दिए आपको क्योंकि आप पीपल का पत्ता लोगे तो उसमें आपको क्या दिखने वाला है, रेटिकुलेट वेनेशन दिखने वाला है, ठीक है. और बनाना लीफ इफ यू विल टेक देन यू विल फाइंड पैरेलल वेनेशन, इसलिए तो उसने 2 पत्ते लिए यहाँ पे, एक में रेटिकुलेशन दिखेगा आपको, एक में पैरेलल दिखेगा. मैंने ये थोड़ी बोला कि पैरेलल वेनेशन बाहर निकल जाएगा, ये थोड़ी ना बोला था मैंने, मैंने बोला फ्लैशी पार्ट जो है उसका पत्ते का वो बाहर आ जाएगा, तो वेन्स दिखने लग जाएगी आपको. तो करके देख लो चाहो तो, नहीं तो YouTube पे एक्टिविटी मिल सकती है, आई विल शेयर लिंक इफ आई फाइंड एनी, ठीक है. चलें आगे. यस सर. कैन यू आइडेंटिफाई व्हिच लीफ हैज रेटिकुलेट एंड व्हिच हैज पैरेलल वेनेशन? तो ये ऊपर भाई साहब ने जो पूछा है उसका आंसर उन्होंने खुद ने ऊपर ही दिया है, हमें पता है कि पैरेलल बना, ये बनाना पैरेलल देगा और रेटिकुलेट पीपल में मिलेगा, ठीक है. ये काम की बात, यहां पे अंडरलाइन करना इस नोट को, कर लेना, भूलना मत. The plants whose roots are fibrous have leaves with parallel venation. ये इसने generalized way में सभी के लिए दे दिया है, सभी के लिए दे दिया है ना, मतलब कि fibrous roots वाले जितने भी examples पढ़े थे हमने वो parallel venation होगा उनमें, मतलब fibrous root किसी की है तो parallel venation. And plants having tap roots have reticulate venation. Can you give examples of few of them? दे दो क्या एग्जांपल, तो बहुत सारे हैं पैरेलल वेनेशन के एग्जांपल. नहीं नहीं यार, लीजिए कोई जरूरत नहीं है, बुक में बहुत सारे दे रखे हैं, सब बच्चों के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है. फंक्शंस ऑफ लीव्स पे चलें, याद रखना रेटिकुलेट वेनेशन किसके पास होता है, रेटिकुलेट वेनेशन किसके पास होता है, टैप रूट्स वाले के पास, ठीक है. और फाइब्रस रूट्स के पास में होंगे पैरेलल वेनेशन, याद रख लो फाइब्रस पैरेलल और टैप रेटिकुलेट, इस तरीके से याद रख लेना, भूलना मत. फंक्शंस ऑफ लीव्स, अब देखो ध्यान से, अब ये जो ऊपर वाली बात थी, ये जो नोट था, इसमें कुछ लॉजिक लग रहा है क्या? लॉजिक नहीं है, ये सिंपली फैक्चुअल है, एक फैक्ट है जो आपको याद करना है, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, सिंपल है. और आपकी साइंस की बुक इतनी कुछ मतलब बोरिंग तरीके से नहीं है कि मतलब कुछ बोर्डम वगैरह फील हो वहाँ पे, अच्छे से मैंशन की गई आपकी साइंस की बुक, आप लोग पढ़ सकते हो बार बार उसको ना, थोड़ा इंटरेस्टिंगली है, कहने का मतलब ये है. फंक्शंस ऑफ लीव्स इंपॉर्टेंट, द मेन फंक्शन ऑफ अ लीफ इज टू प्रिपेयर फूड. The main function of a leaf is to prepare food. Leaves generally have a green colored substance called chlorophyll. Kar lo is underline. The main function of a leaf is to prepare food. Leaves generally have a green colored substance or pigment called chlorophyll. The process of manufacturing of food by leaf in presence of sunlight and chlorophyll using water and carbon dioxide. ये बहुत important है आप लोगों के लिए. Photosynthesis. नाम सुना है पहले? Oxygen is given out in the process. Water and carbon dioxide मिलकर के बनाएंगे ये, ठीक है? Oxygen is given out in the process. The food prepared is in the form of starch. We can test the presence of starch in a leaf by carrying out the following activity. अब ध्यान से देखो, ये चेकिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च जो है ना एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है. 12th क्लास में आप लोग जब लेबोरेटरी में काम कर रहे होंगे केमिस्ट्री में, तब भी शायद ये स्टार्च आपको पीछे नहीं छोड़ेगा, स्टार्च सॉल्यूशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाले एक्टिविटी जरूर से आप लोग अच्छे से पढ़ना. इसके ऊपर आप चाहो तो एक्टिविटी यूट्यूब पे भी देख सकते हो आप लोग, है ना. तो आप लोग सर्च करिए, नहीं होता है तो आप मुझे बताना, तो मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा स्टार्च
प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैसे चेक करते हैं, कैसे पता चलेगा किसी सब्सटेंस किसी ऑर्गेनिज्म में स्टार्च है या नहीं है? ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन द प्रोसेस, द फूड प्रिपेयर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ठीक है, जिस तरीके से हमारी बॉडी में हम ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर करते हैं खाने को ना, वो उसके बाद फर्दर और आगे वो प्रोसेस होता है, इन ग्लूकोज बनता है जो भी हम खाते हैं उसके बाद, तो यहाँ पे स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा. We can test the presence of starch in leaf by carrying out the following activity. The food prepared by plant starch. ठीक है. स्टोमेटा शायद आगे होगा. ये एक्टिविटी 5 देख लेते हैं. या टाइम है हमारे पास अभी? है, चलो ठीक है. इतने में हो जाएगी एक्टिविटी, कंप्लीट कर लेते हैं. To test for the presence of starch in a leaf. ये चेक करना है हमें. लेकिन हम मटेरियल्स क्या क्या चाहिए हमें? कोई पत्ता ले लो किसी भी, किसी का भी. एल्कोहल C2H5OH, ये H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, C कार्बन. कोई दिक्कत नहीं है अगर ये नहीं समझ आ रहा तो भी बोल जाओ. एल्कोहल लेना है, किसी भी तरह का एल्कोहल लेना. अ बीकर, अ टेस्ट ट्यूब. एल्कोहल जरूर नहीं, वो जो मैंने लिखा था वही फॉर्मूला होता है, और भी एल्कोहल होते हैं, बहुत सारे होते हैं. अ बीकर, अ टेस्ट ट्यूब, वाटर, बर्नर, पेट्री डिश, आयोडीन सॉल्यूशन. पेट्री डिश एक आपको ज्यादातर बायोलॉजिकल लैब में मिलेगी पेट्री डिश, है ना, लेकिन यहाँ भी ले रहे हैं क्योंकि हम ये एक तरीके से बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ही है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म लिविंग किसी लिविंग एंटिटी का पार्ट है लीफ, तो इसलिए बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं. पेट्री डिश लिया इसलिए हमने. आयोडीन सॉल्यूशन ये इंपॉर्टेंट है, यही बताएगा हमें प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. वॉश द लीफ विथ वाटर, पहले साफ कर लेना पत्ते को. पुट द लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड फिल द टेस्ट ट्यूब विथ एल्कोहल. ध्यान रहे टेस्ट ट्यूब जो लोगे पत्ता उसमें रखोगे उसे अल्कोहल से भरना है और फिर उसे बाथ टब में रखना है, वाटर बाथ टब में रखना है. मतलब बाहर तो वाटर होगा और टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर लीफ रखी हुई है उसके अंदर अल्कोहल होगा और इसे हम हीट करेंगे. तो आप लोग बोल सकते हो कि हीट अगर करना है, मतलब पत्ते तक हीट पहुंचानी है, तो इस टेस्ट ट्यूब को डायरेक्ट गर्म क्यों नहीं कर सकते थे हम? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में तो ऐसा करते हैं हम कि लेबोरेटरी में हमने डायरेक्ट ही फ्लेम के ऊपर ले गए टेस्ट ट्यूब को, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे. क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो हाईली इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब आसानी से, इजीली इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब कि आसानी से आग पकड़ लेता है थोड़ा सा गर्म होने पे. तो इसलिए इन्फ्लेमेशन ना हो, किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए वाटर बाथ ले रहे हैं. तो पानी गर्म होगा, पानी के थ्रू यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा. आग के पास में जाना चाहिए क्या सर? इसलिए बोलते हैं आग के पास में जाना चाहिए. हाँ एग्जैक्टली, उसमें अल्कोहल होता है, सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, सही बोल रहे हो. वार्निंग, अच्छा लिखा हुआ भी है, अल्कोहल शुड नेवर बी हीटेड डायरेक्टली इन फ्लेम. ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाएगा वहां पे अदरवाइज. कंटिन्यू हीटिंग टिल ऑल द ग्रीन कलर गोज फ्रॉम द लीफ इन इनटू द अल्कोहल. तो गर्म करते 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 क्या होगा, सारा ग्रीन कलर, देखो ध्यान से मेंशन भी बुक में आपके, आप लोगों के ग्रीन कलर सारा अल्कोहल में मिक्स हो गया है, अल्कोहल ही ग्रीन कलर का हो गया एक्चुअली, और पत्ता जो है वो ग्रीन कलर लूज कर गया. Take out the leaf and again wash it in the water. तो इतना purpose क्यों, क्या था हमारा ये setup बनाने का? ये setup बनाने का purpose क्या था? यही setup है जो मैंने वहाँ पे रिट्रो किया है. ये बनाने का purpose क्या था हमें? सारा chlorophyll बाहर निकालना था, सारे पत्ते का जो green color है बाहर निकालना था हमें, बस इतना purpose था हमारा. Keep it in a petri dish and pour some iodine solution over it. पत्ते को petri dish में लेना. petri dish देखोगे तो एक चपटा सा ये होता है, ठीक है, ढक्कन भी होता है इसके पास. तो पेट्री डिश के अंदर पत्ते को रख देना ये करने के बाद में, और उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल देना. आयोडीन सॉलिड होता है, लेकिन सॉल्यूशन लिखा हुआ मतलब आयोडीन को आपने पानी में घोल के फिर वो सॉल्यूशन उसके ऊपर. यू आर पोरिंग दैट सॉल्यूशन इनटू पेट्री डिश इन विच अ लीफ इज कैप्ट. ऐसा कर दिया आपने. ऑब्जर्वेशन, द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक शोइंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. तो ये पहले से ही हमें पता है कि अगर स्टार्च है वहां पे तो वो सब्सटेंस ब्लैक हो जाएगा. तो जैसे आपने आयोडीन The leaf turns blue black showing the presence of starch. मतलब कि अगर उसमें स्टार्च है पत्ते में तो फिर उसको क्या हुआ वहां पे ब्लूइश ब्लैक कलर आपको शो हो जाएगा. इसका मतलब आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर होगा वो, ठीक है. और जब ब्लूइश ब्लैक ही क्यों हुआ ये सब आगे की बातें हैं, हम लोग हायर क्लास में पढ़ोगे कि स्टार्च और आयोडीन कैसे क्या बनता है ये सब होता है, ठीक है. तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट ध्यान रखना कि स्टार्च का प्रेजेंस अगर हमें ध्यान
सॉरी स्टार्च के प्रेजेंस अगर हमें पता लगानी है तो हमें आयोडीन सॉल्यूशन की हेल्प चाहिए रहेगी, और आयोडीन सॉल्यूशन अगर उस सब्सटेंस को जाकर के कर देता है ब्लैक, ब्लू इज ब्लैक, तो इसका मतलब स्टार्च है यहाँ पे। ये ऑब्जर्वेशन ध्यान रखो, ठीक है, बाकी एक्सपेरिमेंट तो ईजी है, सही है हाँ या ना? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है, आवाज आनी तो चाहिए क्योंकि माइक तो ऑन है। ठीक है अब सही है, चलिए कल से यहाँ से शुरू। ठीक है बस कल से यहाँ से शुरू करेंगे, पहला पॉइंट हो चुका है हमारा, ठीक है, वर्किंग वर्किंग और फंक्शंस ऑफ डेज, वर्किंग ऑफ डेज, फिर परसों से फ्लावर, नहीं कल ही फ्लावर भी कंटिन्यू कर लेंगे, और उसके बाद ये पार्ट एक्टिविटीज सिक्स शायद समय परसों से कंटिन्यू करेंगे, और चैप्टर खत्म होते ही हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है तो आप लोग रिविजन करते रहिए पिछले टॉपिक्स का, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। बकवास बंद, पहले सुन लो पूरा, ठीक है, रिविजन टाइम टाइम पे करते रहा करो आप लोग। अब जाओ मीटिंग से। Bye sir.